ताज़ा तरीन खबर के लिए आपको ले चलते हैं सरयाब क्वेटा में, जहां बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सरयाब के मकीन सराप एहतजाज हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर हुसैन, बताइए क्या हो रहा है? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ बदकिस्मत सरिया में। आपको बताते चले कि आए रोज यहाँ पर सरयाब रोड को बिजली और गैस के जो है ना आए रोज ये कमी के प्रेशर में कमी के खिलाफ सरापा एहतजाज करके मकीन जो है ना रोड को ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम दोबारा आज यहाँ पर सरयाब रोड पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुजाहरीन ने जो है ना रोड को चोटी और बड़े गाड़ियों की आमोदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। आइए मजदीन का जो है ना मौके पर जानते हैं कि उन्होंने क्यों रोड ब्लॉक किया हुआ है, आज उनका एहतजाज करने का मकसद क्या, वो हमें मजीद बताएंगे। जी सबसे पहले ये एक शहनवाज फीडर में 3 महीने से यहाँ पे हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बम जैसे गिराया हुआ है। यहाँ पे लोड शेडिंग, रोज लोड शेडिंग अगर उसमें 1-2 घंटे देते उसमें भी बार बार ट्रिप है या 2 फेज, मतलब कोई काम का नहीं रहा है। मैं इसके बावजूद चीफ ऑफिस पे भी गए, एक्सियन ऑफिस पे भी गए, SDO यहाँ पे मुझे झूठे तसलियाँ दे दे के, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 3 दिन पहले भी हमारे दोस्त गए थे, उन्होंने 3-4 दिन पहले तो 3 दिन का उन्होंने दिया था कि इंशाल्लाह वो मसला हल कर दें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे हम लोग अपने हक के लिए मजबूरी से यहाँ पे इलाका मकीन निकले, अपने हक के लिए यहाँ पे 24 घंटे बिजली का लोड शेडिंग हो रहा है। शहनवाज फीडर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।